उपस्थितियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर आसीन हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के डॉक्टर भूपेंद्र जी, भाई मनीष यादव जी, आप प्रदेशाध्यक्ष हैं भारतीय युवा मोर्चा के, भाई वीरपाल जी आप समाज सेवी हैं और मेवात जिला के जिला अध्यक्ष हैं भारतीय युवा मोर्चा के, और इसके अलावा हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री गौरव यादव जी आप भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा विद्यार्थी परिषद गुरुग्राम के प्रांत मंत्री परिजात शास्त्री जी, और इनके अलावा आए हुए प्रदेश से एबीवीपी के सभी कार्यकर्ताओं का और स्कूलों से आए हुए सभी विद्यार्थियों का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि ये प्रकाश पर्व विद्यार्थी परिषद ने निर्णय लिया था गुरुग्राम इकाई ने कि हम गुरुग्राम के अंदर एक ऐसा भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेंगे जिसके अंदर हम 1,00,000 दिए प्रज्वलित करके हम श्री राम मंदिर निर्माण के अंदर अपनी एक छोटी सी आहुति या छोटा सा समर्पण इन 1,00,000 दियों के माध्यम से करना चाहते हैं। इस प्रकाश पर्व जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज आयोजित किया गया है, अनेक अनेक वर्षों की गुलामी के पश्चात जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, पहले मुगलों की गुलामी, उसमें हमारे अनेक अनेक वीर शहीद हुए, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी, अनेक अनेक वीरों ने फांसी के फंदे को चूमा, चाहे वो हमारे भगत सिंह रहे हो, चंद्रशेखर आजाद रहे हो, सुखदेव रहे हो, राजगुरु रहे हो, राम प्रसाद बिस्मिल रहे हो या वीर सावरकर रहे हो। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो जैसे आजाद भारत की कल्पना करी थी, अखंड हिंदू राष्ट्र की कल्पना करी थी, क्या वो राष्ट्र हमें प्राप्त हुआ था? इस विचार पर चिंतन मनन करने के लिए परम पूज्य श्री गुरु गोविंद जी के नेतृत्व में कुछ विद्वजनों की, कुछ विद्वानों की, मनीषियों की एक बैठक हुई, तो देश को फिर से कैसे वो सोने की चिड़िया बनाया जाए, इस विषय पर विचार हुआ, और छात्र हित में कार्य करने के लिए छात्रों को राष्ट्रहित से कैसे जोड़ा जाए, उनके अंदर देशभक्ति की भावना कैसे भरी जाए, इस विषय पर विचार करने के पश्चात 9 जुलाई 1949 को रजिस्ट्रेशन हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी परिचय का मोहताज नहीं, ये देश में वो विद्यार्थी संगठन है जिसने निरंतर देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, नौजवानों के विचार को राष्ट्र भावना में ले जाने का जो काम करते हैं वो विद्यार्थी परिषद है, और ये भव्य आयोजन भी उसी कड़ी का एक कार्यक्रम है। मैं विद्यार्थी परिषद के सब लोगों को बधाई देता हूं इतने भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और हम सब ये जानते हैं कि वर्षों वर्ष का जो कल्पना, एक सपना, राम मंदिर का जो निर्माण का जो विषय निरंतर हमारे देश में, इस देश के हर आम आदमी के दिल में कि कब राम मंदिर का निर्माण होगा, और मुझे खुशी होती है ये कहते हुए जितने भी लोग यहां पर उपस्थित हैं, ये हम सब के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि वो सपना जल्द पूरा होने जा रहा है और भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। उनका आयोजन किया है उसकी शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी जुझारू प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने अपना जीवन विद्यार्थी परिषद से शुरू करके सरकार में मंत्री रहकर आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की कमान संभाली है, ऐसे आदरणीय धनखड़ जी हमारे बीच में इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। हम उनका यहां पहुंचने पर मंच के माध्यम से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
अतिथि ओम प्रकाश धनकर जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तालियों के साथ सभी लोग धनकर जी का स्वागत एवं सम्मान करेंगे। आज का यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम, यह प्रकाश पर्व ओम प्रकाश धनखड़ जी से और अधिक प्रकाशित हो गया। बहुत अच्छा लगता है, सारे दीप जले हैं और बहुत सारे दीप जलने की तैयारी में। विद्यार्थी परिषद का काम करने का मतलब है प्रज्वलित दीप, और एबीवीपी क्या सिखाती है कि राष्ट्र के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए दीप बनकर जलते रहो। इसमें विद्यार्थी परिषद एक जीवन दृष्टि देती है, जीवन का ध्येय देती है कि आप अपने जीवन को प्रकाशमान करते हुए अन्यों के जीवन को भी प्रकाशमान करें। वो भव्य मंदिर बनना शुरू हो गया है, और जो एक भारत का गौरव जो राम के साथ जुड़ा है, राम के जीवन के साथ जुड़ा है, वो गौरव गाथा हम सबको सदियों से प्रेरित करती आ रही है, हजारों सालों से प्रेरित करती आ रही है, और वो गौरव गाथा आने वाले समय में भी हमको ऐसे ही प्रेरित करते रहे।